कहते हैं ना, किसी चीज़ को अगर शिद्दत से मांगोगे तो पूरा कायनात आपको पाने के लिए मदद करेगा। ये तो एक डायलॉग है, लेकिन हाँ, इन्फिनिक्स नोट 7 का इतना ज़्यादा वेट कर रहा था सारे भाई लोग, फाइनली इंडिया पे लॉन्च होने जा रहे हैं। काफ़ी सारा भाई लोग मुझे कमेंट कर रहा था कि भाई आप तो इन्फिनिक्स नोट 7 का बहुत सारा वीडियो बना दिया, लेकिन क्या फ़ायदा, इंडिया पे तो लॉन्च नहीं हो रहा है। इन्फिनिक्स 08 भी आने वाला है, लेकिन काफ़ी सारा भाई लोग ऐसा बोल रहा है कि भाई इन्फिनिक्स नोट 7 नहीं आया तो 08 भी शायद नहीं आएगा। लेकिन फाइनली चलो, आप लोगों का बात इन्फिनिक्स सुन लिया और इन्फिनिक्स ने इन्फिनिक्स नोट 7 का ऑफिशियली इंडिया का लॉन्च डेट कंफर्म कर दिया है। ये फ़ोन आपको कहां पर मिलेगा, कितना तारीख को मिलेगा, किस प्राइस रेंज में मिलेगा, फीचर्स तो आपको पता है, लेकिन ये सारे जो क्वेश्चन है आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। उससे पहले चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल का घंटा है उसको भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो गाइस, इन्फिनिक्स नोट 7 का काफ़ी सारा भाई लोग बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अगर आप यूट्यूब में इन्फिनिक्स नोट 7 लिख के सिर्फ सर्च करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको उस जगह पे जो है इन्फिनिक्स नोट 7 लॉन्च डेट इन इंडिया, इन्फिनिक्स नोट 7 कब इंडिया पे लॉन्च हो रहा है, ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट आपको सर्च वाला ऑप्शन जो है मिल जाता है। मतलब काफ़ी सारा भाई लोग ये सारे लिख के जो है यूट्यूब में ऑलरेडी सर्च कर रहा था, क्योंकि सभी को मतलब इंतजार था इन्फिनिक्स नोट 7 का, क्योंकि इस फ़ोन का लुक और डिज़ाइन बहुत ही लाजवाब है। फ्रंट में पंच होल डिस्प्ले, बैक साइड में आपको राउंड सर्कल में कैमरा पैनल, 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिलता है। लुक और डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त है। 3 कलर में आपको जो है ग्लासी लुक के साथ मोबाइल को मतलब लॉन्च करने जा रहा है, तो लुक और डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त है, सबसे पहली बात तो ये है। नेक्स्ट वाला बात करें तो इस फ़ोन का फीचर्स भी बहुत ही ज़बरदस्त है। 7 इंच का लगभग डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि पंच होल डिस्प्ले आपको दिया जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है, देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो लोग गेम खेलना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत नहीं, मतलब बहुत अच्छा खासा आप गेम खेल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मीडियाटेक कैलियो G70 का चिपसेट मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा चिपसेट है। इसमें आप मतलब बेझिझक जो है पबजी या फिर फ्री फायर जैसा गेम आराम से खेल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये हाइपर इंजन टेक्नोलॉजी में बना हुआ है, तो ये भी एक अच्छी बात है। रैम और इंटरनल स्टोरेज भी इस मोबाइल में बहुत ही अच्छा मिल जाता है। बाकी सेल्फी कैमरा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, वो भी पंच होल के साथ आपको मिलता है। 5000 mAh का बैटरी भी दिया गया है, जो कि मतलब बैटरी बैकअप जो है गेम खेलने के टाइम या फिर किसी भी काम करने के टाइम बैटरी बहुत जल्द खत्म नहीं हो जाएगा। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात, इस मोबाइल में आपका 18 वाट का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है, मतलब बैटरी अगर ख़त्म भी हो जाता है तो आप बहुत जल्द इस बैटरी को जो है चार्ज भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, सारे फीचर्स मोबाइल में बहुत ही ज़बरदस्त दिया गया है, इसलिए इस मोबाइल का डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है। और इंडिया पे इस मोबाइल का प्राइस कितना होगा, बहुत सारा भाई लोग ऐसा कमेंट कर रहा था, बहुत सारा भाई लोग ऐसा सोच रहा है कि इस मोबाइल का प्राइस शायद इंडिया में 10,000 के आसपास होगा। और अगर सच में इन्फिनिक्स नोट 7 इंडिया पे 10,000 के आसपास लॉन्च होता है तो काफ़ी अच्छा मार्केट करेगा, क्योंकि मोबाइल का लुक और डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और कुछ भाई इसी को खरीदना चाहते हैं, दूसरा मोबाइल नहीं खरीदना चाहते। तो अब देखने वाली बात है इस मोबाइल को इंडिया पे कितना प्राइस रेंज में लॉन्च करेगा। मेरे हिसाब से 10,000 से 11,000 के आसपास इंडिया पे लॉन्च होना चाहिए। अगर थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो ओवर प्राइस हो जाता है, क्योंकि मार्केट में इससे भी बेहतर फ़ोन आपको मिल जाता है। पोको M2 Pro है या फिर बहुत सारा कंपनी का फ़ोन है, तो सारे कंपनी का फ़ोन को अगर बीट करना है तो सही प्राइस रेंज पे इन्फिनिक्स को इस मोबाइल को इंडिया पे लॉन्च करना चाहिए। अब इन्फिनिक्स नोट 7 का ऑफिशियली लॉन्च डेट क्या है इंडिया का, मैं आपको बता देता हूँ। इन्फिनिक्स इंडिया का जो ऑफिशियली यूट्यूब चैनल है उसमें अगर आप जाएंगे तो एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जहां पर साफ साफ मेंशन किया गया है ये फ़ोन 16 सितंबर इंडिया पे लॉन्च हो रहा है और फ्लिपकार्ट में ये फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। मतलब 16 सितंबर ये फ़ोन फ्लिपकार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, शायद लिस्टिंग किया जाएगा या फिर आपको जो है उसी तारीख को जो है लॉन्च होते हुए इंडिया पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि आज से लेके 15 या फिर 16 दिन के अंदर जो है ये फ़ोन आपको इंडिया पे देखने को मिल जाएगा। जो सारे भाई लोग इसका इंतज़ार कर रहा था उसका इंतज़ार फाइनली ख़त्म हुआ। अब देखने वाली बात है कि इस प्राइस रेंज में लॉन्च करता है, मेरे हिसाब से 10,000-11,000 के आसपास इस मोबाइल को इंडिया लॉन्च होना चाहिए। तो भाई इन्फिनिक्स बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और इससे ये कंफर्म हो जाता है कि इन्फिनिक्स 08 भी बहुत जल्द इंडिया पे जरूर आ जाएगा। तो भाई ये था आज का वीडियो इन्फिनिक्स नोट 7 के बारे में, फाइनली इंडिया पे लॉन्च होने जा रहा है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बाजू में बेल का घंटा उसको भी दबा देना। चलिए मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय।